कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ब्रीच ऑफ पीस के कारण गिरफ्तार किया गया है। ये मुद्दा सिर्फ इस ग्रुप में नहीं उठाया था, ये बहुत सारे ग्रुप्स ने उठाया था। बीजेपी की लोकल इकाई ने उठाया था, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको 1 तारीख को डिपकॉम साहब को रिप्रेजेंटेशन दी थी, बार एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें सारे मुद्दे उन्होंने रखे, कुछ डिस्टेंस का, कुछ ये वो, सारे जितने भी मुद्दे बनते थे हाईवे के रिलेटेड। लेकिन इन सब ग्रुप्स ने एक तरीका अपनाया, फोरम्स जो उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया, सही जगह पे गए, और जिसका नतीजा है कि बात को टेकअप किया गया भारत सरकार लेवल पे और एक टीम आ रही है। ये सब उसी का उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जो जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, उस ग्रुप ने पहले दिन तो पीसफुल रखा, लेकिन उसके बाद ये पीसफुल से ब्रीच ऑफ पीस की तरफ बढ़ गया। पहले कहा गया था लोगों को कठिनाई नहीं होगी, फिर रास्ते बंद होने लगे, फिर रास्ते बंद होने लगे, कहा गया कि कोई पत्थर नहीं मारेगा, फिर पत्थर भी मारने लगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं रहे और आगे भी नहीं रहेगा। हाईवे को किसी भी तरीके से ब्लॉक करने का और किसी को भी इजाजत नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के तरीके जो दूसरे लोगों ने किया है और उस पर प्रोग्रेस भी हो रहा है। अब जो इनकी रिहाई की बात है, आप में से मुअज्जज़ लोग सामने आए, श्योरिटी लें, गारंटी लें कि इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, कोई हर्ज नहीं, इसमें इनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं रहेगी कि पीसफुल मेंटेन रहेगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप में से कुछ मौजूद सामने आना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं इनके बिहाफ में, बिल्कुल वेलकम है, तुरंत रिहाई हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात। एडीजी साहब, सांबा में लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं इस डिमांड को लेकर, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन डील करेगी? हंगर स्ट्राइक की जो बात है, जो मुद्दे हैं उन्हीं पे हंगर स्ट्राइक है, तो उन मुद्दों को तो एड्रेस किया ही जा रहा है, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है। टीम आ रही है, देख रही है। कल जम्मू बंद के लिए क्या अपील करेंगे सर? मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूँ और डिप्लोम साहब के बिहाफ पे कि जितनी भी इश्यूज आपके समक्ष रखी जा रही है, उन सब पे एक्शन हुआ है और ठीक एक्शन हुआ है। कल भी जो चेंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी, उसमें किसी आप में से ही केसी मोजेस मीडिया पर्सन ने पूछा था कि जो वेयरहाउस में जो लगे थे, जो जेपीडीसीएल ने लगाए थे टेस्ट मीटर्स, चेक मीटर्स, उनका क्या हुआ, तो उस बात को अवॉइड किया गया, जबकि उस सब सारी रिपोर्टें जेपीडीसीएल के पास, एमडी साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनके पास मौजूद है, तो सभी मुद्दों को एड्रेस कर दिया गया है और अच्छी तरीके से एड्रेस किया गया है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो बातें आपके सामने तोड़ फोड़ के रखी जा रही है वो सही नहीं है। इस बात पे बंद कॉल बनता नहीं है। अगर बंद हो रहा है, कॉल हो रही है, हम अभी भी उन लोगों से संपर्क करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आपकी मुद्दे को देखा गया है, मुद्दों पे आगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है, आप इस बंद को कॉल ऑफ कर लें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आप सब जो मीडिया बंधु जो यहाँ है, जो सोशल मीडिया में ये बातें पहुँचाएंगे, हो सकता है कि इन सब की भी आंखें खुलें और इनको भी एहसास हो ये जो बंद कॉल है ये सही नहीं है।